क्वेश्चन जेडब्ल्यू मेंस में 2009 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन अरेनियस इक्वेशन से है। तो अरेनियस इक्वेशन है के इक्वल टू ए ई रेज टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। जब इस इक्वेशन को एल एन में कन्वर्ट कर दे तो ये हो जाता है एल एन के इज इक्वल टू एल एन ई ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये इक्वेशन याद रखना है। जब लेकिन अपने को कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन किस में दिया है, लॉग में दिया है। जब इसको अगर लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं तो यहाँ ई ए के डिवाइड में आ जाता है 2.303 आर टी। तो जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है उसी फॉर्म में कंपेयर करना है। तो ये हम ले लेंगे ई ए अपॉन 2.303 आर टी और इससे हम कंपेयर करेंगे तो ये टी टी कैंसिल हो जाएगा और ई ए हमें क्वेश्चन में पूछा गया है 2000 मल्टीप्लाई बाय 2.303 और आर की वैल्यू होती है 8.314। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तब तो वैल्यू आ जाती है 38,392 समथिंग। लेकिन ये है जूल पर मोल में। अगर किलो जूल करना है तो 3 डिजिट आगे जाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 38.3 किलो जूल पर मोल। ऐसे ही फिर पूछा है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो इससे हम कंपेयर करते वक्त ये जो 6 है ये है लॉग ए। लॉग ए इक्वल टू 6 तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 10^6। तो आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर। थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल।